कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में न सिर्फ वायरस के लक्षण बदले बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हुआ। जाहिर है इसी हिसाब से वायरस को रोकने और बीमारी का मैनेजमेंट करने की नीति भी बदली। कोरोना की पहली लहर मरीजों को एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल टैबलेट, विटामिन सी और जिंक दिया गया, तब बहुत कम डॉक्टरों ने आइवरमेक्टिन दवा का इस्तेमाल किया था। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी दी गई थी। जो मरीज गंभीर थे उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक और मारक रही। इसमें डॉक्टरों ने आइवरमेक्टिन का प्रयोग पहली लहर के मुकाबले ज्यादा किया। मल्टीविटामिन दिए गए, पैरासीटामोल टैबलेट के साथ साथ स्टेरॉयड का इस्तेमाल बढ़ाया गया। स्टेरॉयड के इस्तेमाल से बहुत से मरीज ठीक भी हुए लेकिन इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले। स्टेरॉयड्स को लेकर ब्रिटेन की एक स्टडी कहती है कि इसे कोरोना मरीज को पहले हफ्ते में नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है और शरीर वायरस से लड़ नहीं पाता। बहुत से डॉक्टरों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, फैबीफ्लू और टॉसिलिजुमैब जैसी दवाएं पर्चे पर लिखी। नवंबर 2020 में WHO ने ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल की सलाह दी थी लेकिन बाद में इसके असर पर स्टडी आ गई और ये पता चला कि कोरोना के मामलों में ये दवा जीवन रक्षक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इन दवाओं और स्टेरॉइड्स को पर्चे पर लिखकर कई जिंदगियां बचाई गई हैं और तमाम तकनीकी पहलुओं पर फैसला डॉक्टर ही ले सकते हैं, लेकिन दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन को महामारी के दौर में तेज गति से अपडेट करते रहने की भी जरूरत है। देश में ब्लैक फंगस बीमारी अब महामारी का रूप धारण कर चुकी है। देश के 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी शेयर की है जिसके अनुसार देश में अब तक ब्लैक फंगस के 5,424 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 4,556 मरीज पहले से कोरोना संक्रमित थे, यानी 868 केस ऐसे हैं जिनमें मरीज को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ था, जबकि ब्लैक फंगस के कुल केस में 55% ऐसे हैं जिनमें मरीज डायबिटीज से पहले से ही पीड़ित थे। ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों के बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय है इस बीमारी की दवा की कमी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही है लेकिन इस दवा की डिमांड और सप्लाई का अंतर अभी ज्यादा है और ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है। जब इस दवा की तलाश में रिपोर्टिंग करते हुए मैं पहुंची थी दिल्ली के होलसेल मार्केट में तो वहां पर बताया गया कि पिछले साल तक हालात ऐसे थे कि एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा था, लेने वाले लोग नहीं थे, लेकिन आज सप्लाई बहुत बड़ी समस्या है। सवाल यह है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में सबसे जरूरी एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार की ओर से जो जानकारी जारी की गई है बताते हैं आपको। मई में घरेलू स्तर पर एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन के उत्पादन की दर 1,63,752 डोज प्रति महीना है, जो जून में बढ़कर 2,55,144 डोज प्रति महीना होने के आसार हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन का उत्पादन करने वाली 6 कंपनियों के अलावा 5 और कंपनियों को इसके उत्पादन का लाइसेंस दिया गया है। इसके अलावा जून में 3,15,000 डोज का आयात विदेश से किया जाएगा। इस तरह जून में एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की 5,70,000 से ज्यादा डोज उपलब्ध होंगी। उसके बावजूद इस इंजेक्शन की कमी नजर आ रही है। डॉक्टरों की माने तो आमतौर पर ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में एक मरीज को 25 दिनों तक हर रोज 4 से 8 इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, यानी 100 से 200 इंजेक्शन तो एक ही मरीज के लिए जरूरी है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि अगर ब्लैक फंगस के केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो दवाई की कमी को दूर करने के उपाय नाकाफी साबित हो सकते हैं।